यार वैसे मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आज मुझे खुद ही एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, जहां पे लिखा था कि 777-888-999 ये जो नंबर है इसको याद कर लो, सोच लो, समझ लो, पूरा अपना फोकस कर लो, सारा ध्यान इस नंबर पे, क्योंकि इंडिया में इस नंबर ने 10 लोगों की जान ले ली है। अगर आपके पास इस नंबर से कॉल आता है तो प्लीज पिक मत करना, अगर उठाया तो आपका फोन बूम 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 ब्लास्ट हो जाएगा। सतर्क रहो, सावधान रहो, जीते रहो, जागते रहो। इस मैसेज को शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी फैमिली मेंबर्स के साथ में, उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनको बचाए रखो। और ये जो लड़ाई चल रही है 777-888-999 के खिलाफ, इसमें जाके अपना योगदान कर दो। दोस्तों ये जो मैसेज है ये मुझे भेजा मेरे एक ऐसे फ्रेंड ने जिसने PhD करी हुई है कंप्यूटर साइंस में। मुझे लगा भाई बस बहुत हो गया, वीडियो बनाना जरूरी है, आप सभी को बता दूं कि ब्लास्ट के पीछे का राज क्या है, कौन ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है हम सभी के खिलाफ जो हमारे फोन के अंदर कॉल करके ब्लास्ट करना चाहता है। तो दोस्तों आज तक अगर आपने ऐसी एक भी न्यूज, ऐसा एक भी पोस्ट फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कोई भी अगर आपने ऐसा आर्टिकल शेयर किया है, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। तो आज दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करके उस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। और अगर आपने आज तक ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया तो भी दोस्तों कुछ मौका है पुण्य कमाने का, आप इस वीडियो को प्लीज अभी का भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे कोई नंबर आपके फोन में धमाका करवा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसमें आज मैं से बात करने वाला हूं। मैं एक तरफ सोचता हूं कि इंडिया जो है वो बहुत ही डायनामिक कंट्री है, हम सभी जानते हैं कि इंडिया में कितना यूथ है, टेक्नोलॉजी का मामले में कितना धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसरो ये काम कर रहा है, इंडिया में हम कितने अच्छे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, मतलब हम बहुत कुछ सुनते हैं इंडिया के बारे में, पढ़ा लिखा है, अच्छा देश है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं भाई हमारी पढ़ाई कुछ ना थी, हमने जो बचपन से पीपल के पत्ते से बैटरी को चार्ज किया है हम तो वो ही हैं, और आगे चल के हम यही काम करने वाले हैं, क्योंकि हम सबको बताते हैं हम स्कूल गए हुए हैं, हम कॉलेज गए हुए हैं, लेकिन बाद में शाम को ये बताएंगे मैसेज करके कि आप 777-888-999 को पिक मत करना वरना आपका फोन फट जाएगा। मतलब यार ये मेरे पास में नोकिया 3310 है मेरा, पिछले 12 साल से इस फोन को यूज कर रहा हूं, क्यों ये मेरे को धोखा देगा, क्यों ये फोन फट जाएगा भाई। ये मैंने ले रखा है यहाँ पे ब्रांड न्यू 92,000 रुपए का iPhone 7 Plus है, मतलब ये फट गया तो फिर तो भैया एप्पल की तो वाह वाह निकल गई। सैमसंग जो है वो भी नोट 7 के फटने से बाहर निकल नहीं पा रहा है, वो बेचारा कारण ढूंढ रहा है कि फोन कैसे फटा, उसको तो मिल गया बड़ा अच्छा बहाना, बोल दे अगला आके कि भाई सॉरी सभी के फोन पे कॉल आया होगा 777-888-999 से और हमें अफसोस है कि आपके फोन को बचा ना सके। मतलब यार हमारी कहां चली जाती है सारी समझदारी जब हम इस तरह के आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। इंस्टेंटली हमारा दिल अंदर से करता है कि नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड वहां है, मेरा बॉयफ्रेंड वहां है, मेरी माँ वहां रहती है, मेरे फादर वहां रहते हैं, सबको मैं बता दूं, शेयर कर दूं, कोई बचना रहे भैया यहाँ पे, कोई बचाना रहे पीछे, सबको एक खबर मिल जाए कि सब अपने आप को सेफ गार्ड कर ले उस टाइम पे। भाई एक बार दो मिनट का थोड़ा थॉट देना चाहिए वहां पे उस चीज के ऊपर कि वाकई में क्या ऐसा पॉसिबल भी है क्या। आज अगर उसामा बिन लादेन होता, अगर वो भी आपको कॉल करके वहां से अगर दबा देगा ना पूरा RDX भर के बटन, तो भी भाई आपके फोन कैसे फूट सकता है यार। सिर्फ एक कॉल आ रहा है आपके फोन में, क्या फोन की बैटरी के अंदर सिग्नल घुस के क्या धमाका। और ये जो फोन ब्लास्ट है ना, ये एक ऐसा डर बन चुका है, मतलब हर एक चीज हो जाएगी, मतलब इस नंबर से घंटी आ जाए तो फोन ब्लास्ट, चार्जिंग पे फोन पिक कर लो तो फोन ब्लास्ट, हेडफोन जैक लगा हुआ है तो फोन ब्लास्ट, सीधे कान से पिक कर लिया तो फोन ब्लास्ट। मतलब ये जो रूमर्स ऐसे बनती हैं कि मतलब नतीजा भैया ये निकलता है कि जो फोन है आपका वो फटेगा। तो अगर ये फोन फटेगा तो आप क्यों अपनी जेब में वो ले घूमते हो RDX को, निकाल के फेंको बाहर, उसको मत यूज करो। मतलब 50 तरह की चीजें लगा रखी है कि कुछ भी हो जाए भैया फोन फटेगा आपका, हुआ आज तो कुछ होगा नहीं। ऊपर से यार जो चले गए टीवी न्यूज चैनल, आपको पता है कुछ भी जो कचरा पोस्ट करते हैं कि एलियंस जो है वो मार्स से आते हैं, जमीन में गायों को दूध पी के जाते हैं, वही वाली बातें वो लगा रखे हैं, देखिए देखिए देखिए। अरे भाई जो इंसान तुम्हारी पूरी न्यूज पढ़ेगा ना, 10 मिनट की न्यूज में तुम्हारा 9 मिनट तो होता है पूरा तहलका कि ऐसा हो जाएगा, ये नंबर से कॉल आने वाला है, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, लास्ट में तुम बोलते हो कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जो बंदा तुम्हारी 30 सेकंड की क्लिपिंग देखेगा उसको तो लगता है कि हाँ भैया ये तो सच बात है, आज तो हो गया ऐसा और मैं तो जाके शेयर करूंगा। मतलब कैसे काबू करें यार इस चीज को, समझ नहीं आता। दोस्तों प्लीज आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैंने अपनी काफी ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई करी है जैसा कि मुझे लगता है, और मैं इतनी समझ रखता हूं दोस्तों कि ऐसा हो पाना दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। मैंने तो ये भी देखा है, मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों ने कहा है जो बड़े एक्सपर्ट समझते हैं कि देखिए इस चीज पे भी शोध चल रहा है लेकिन ये चीज अभी मेन स्ट्रीम नहीं हुई है। मतलब मेन स्ट्रीम होने का मतलब क्या है भाई, ऐसा क्या टेक्निक आ जाएगी सरकार के पास में, फिर तो लगाओ ऑटोमेटिक कॉल सभी नंबरों के पास, जो भी दुश्मन है आपके सबको कॉल कर दो, जो आपको आना दिन भर की नमस्कार एयरटेल में आपका स्वागत है वहां पे आना चाहिए, नमस्कार आपका फोन फटने वाला है। मतलब अरे कौन सी टेक्निक पे शोध चल रही है, कौन सी डेवलप हो जाएगी, कौन सी मेन स्ट्रीम आ जाएगी, कुछ तो कम से कम सोच समझ के बोलो। इतना वोल्टेज मामला है, लोग जो है वो अभी घबराए पड़े हैं, वो रात को अपने फोन जो है वो रिंगर पे रखते हैं
कि भाई नंबर अगर आएगा तो पिक नहीं करना, वरना क्या पता गलती में कहीं से फोन घूंगा कर रहा हूँ, वाइब्रेटर लगा ले कान पे, हो जाए धमाका उस टाइम पे। दोस्तों प्लीज मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसको अभी का भी शेयर करो सभी जगहों पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, जहां जहां पे आपका पॉसिबल बन पाता है, ताकि हम सभी को बता पाए कि भाई हम समझदार इंडियंस हैं, पढ़े लिखे इंडियंस हैं, हम इन सब कचरा बातों पर भरोसा नहीं करते। पीपल के पत्ते से बैटरी चार्ज नहीं होती, चार्जिंग पे लगा के फोन पे बात करने से फोन नहीं फटता, सीधे कान से फोन लगाने से फोन नहीं फटता, और ये जो 777-888-999 जो भी ये नंबर है यार, कई बार ऑनलाइन जो कॉल्स आते हैं बाहर से वो वॉइप के थ्रू आते हैं दोस्तों को, अगर कोई आपको कॉल कर रहा है मान लीजिए स्काइप से या किसी और तरीके से, तो वहां पे आपको पूरा नंबर शो नहीं होता, हो सकता है कई बार 4 डिजिट का नंबर हो सकता है कई बार 5 डिजिट का नंबर हो, कई बार ऐसे रैंडम सा कुछ भी नंबर होता है, तो क्या वो मतलब फटने के लिए आ रहा है? भैया आपने कुछ गलत काम कर दिया, आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ले रहा है और सीधा टारगेट करके आप ही का फोन फाड़ेगा। अरे भाई प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दो, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर दोस्तों आपने वीडियो को अभी लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक मारो अभी का भी, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।